हेलो एंड वेलकम बैक गाइस, मैं हूं एजे। आप देख रहे हैं द 12th पासर, और आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं एलपीपी यानी कि लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स। तो गाइस, सबसे पहले एक बात कि मैं कई दिनों के बाद वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं और इस वक्त मेरे पास जो है नोट्स अवेलेबल नहीं थे, जिस वजह से एलपीपी पर वीडियो बनाया जा रहा है। और अगर इस वक्त अब दोबारा आप कमेंट में लिखेंगे कि एक्सरसाइज को रेगुलर रखें, तो मैं बता दूं हम रेगुलर ही रखेंगे एक्सरसाइज, जल्दी से आपको सोल्यूशन मिल जाएगा। बस ये तो अभी नोट्स तैयार नहीं थे और मैंने आपको बताया था कि 8 जुलाई को वीडियो आ जाएगा, तो इसी वजह से जो है मैं एलपीपी पर वीडियो बना रहा हूँ। तो गाइस, एलपीपी पर वीडियो अब शुरू करते हैं। दोस्तों, एलपीपी का मतलब होता है लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। मैं आपको एक और बात बता दूं, इस वीडियो में हम इसके बेसिक पर बात करेंगे। अब भैया, इसके 4 टाइप होते हैं, ठीक है, डिफरेंट टाइप ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स। तो इसके 4 टाइप होते हैं। पहला तो होता है डाइट प्रॉब्लम, ठीक है, दूसरा होता है ऑप्टिमल प्रोडक्ट लाइन प्रॉब्लम, तीसरा होता है ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम, और चौथा होता है आपका इन्वेस्टमेंट प्रॉब्लम। सो गाइज, ये इसके 4 टाइप्स होती हैं प्रॉब्लम्स की। अब इस वीडियो में जो है हमें इन पर किसी पर भी बात नहीं करेंगे। तो गाइज, ऐसा इसी वजह से क्योंकि इनका कॉन्सेप्ट थोड़ा सा डीप है, तो इसको जो है हमें इसके चैप्टर में स्टेप बाय स्टेप समझेंगे अभी के लिए। और अगर आपने कभी भी इस चैप्टर को नहीं किया है, ऐसी कंडीशन में आपके लिए हम इसको एक अलग तरीके से करेंगे। तो गाइज, हम यहाँ पर मानेंगे इसके बस 2 टाइप, हालांकि ऐसे कोई टाइप नहीं होते, इन्हें बस अपने हिसाब से 2 टाइप याद करने के लिए मान लिया। पहला हमने माना इक्वेशन प्रॉब्लम्स, दूसरा स्टेटमेंट प्रॉब्लम्स। अब इक्वेशन प्रॉब्लम और स्टेटमेंट प्रॉब्लम में अंतर क्या होता है उसको समझते हैं। गाइज, इक्वेशन प्रॉब्लम में आपको सिंपली इक्वेशन दे दी जाएंगी। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको इक्वेशन देता हूँ, तो ये हो गई गाइज इक्वेशंस। तो ऐसे क्वेश्चन में आपको इक्वेशन दे दी जाती हैं, जैसे यहाँ पर आपको इक्वेशन दे दी गई है एक्स प्लस 2 वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 10, 3x+4y लेस देन इक्वल टू 24, और एक्स जो है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 के, और वाई भी जो है वो ग्रेटर देन है और इक्वल टू है 0 के। अब यहाँ पर जो है आपको मिनिमाइज करना है, जेड मिनिमाइज करना है 200x+500y यहाँ पर, ठीक है, आपको जेड जो है मिनिमाइज करना है। अब मिनिमाइज का मतलब क्या है, आपको इस स्टेटमेंट से जो ये आपको स्टेटमेंट दी, सॉरी, ये जो इक्वेशंस दी हैं आपको, इनसे आपको एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है और वो जो है आपको इसमें पुट करनी है। मिनिमाइज वैल्यू, कम से कम वैल्यू आपको जो है ऐसी वैल्यू निकालनी है जिससे जेड की जो है कम से कम, मतलब जेड की सबसे ज़्यादा छोटी वैल्यू निकले, ठीक है। अब गाइस, एक स्टेटमेंट की प्रॉब्लम देख लेते हैं। स्टेटमेंट में आप क्या होता है, स्टेटमेंट में आपको काफ़ी बड़ी एक स्टेटमेंट दी जाएंगी, उस स्टेटमेंट में ही आपकी जो है इक्वेशंस होंगी, और उसी स्टेटमेंट में आपको दिया जाएगा कि मिनिमाइज करना है या मैक्सिमाइज। अब आपको स्टेटमेंट देख के समझना है कि इक्वेशंस क्या बनेंगी, और जो है इसमें मिनिमाइज करना है, मैक्सिमाइज करना है, उसकी स्टेटमेंट, सॉरी, इक्वेशन क्या बनेगी। तो भाई, इसके अंदर अभी तो मैं आपको बस जो इक्वेशन से जो प्रॉब्लम सॉल्व करनी है वे सिखाऊंगा कि एलपीपी से किस तरह ज्योग्राफिकली प्रॉब्लम सॉल्व किए जाते हैं। स्टेटमेंट वाली आगे एक्सरसाइज में आपको बताऊंगा, और आप प्रे करना गॉड से कि ये जो है एग्जाम में 6 नंबर का आता है, तो 6 नंबर में आपका इक्वेशन प्रॉब्लम ही आए, बड़ी आसानी से आप निकाल लोगे। अगर स्टेटमेंट आया तो आपके 6 के 6 नंबर दाव पर लग सकते हैं दोस्तों। सो इक्वेशन प्रॉब्लम हम इस वीडियो में सीखते हैं। तो भाई, सबसे पहले यहाँ पर देखिए, आपको दिया है x+2y। अब इन सभी इक्वेशंस को लिख दीजिए। तो सबसे पहले आपकी ये जो इक्वेशन है इसको आप लिखेंगे x+2y, यहाँ पर जो ये जो ग्रेटर देन इक्वल टू, इसको आप इस वक्त के लिए इक्वल टू मान लीजिए, ठीक है, 10 मान लीजिए इसको। और फिर यहाँ पर आपको x और y की वैल्यू निकालनी है, तो ये देखिए यहाँ पर x और एक हो गया आपका y। सो जिस वक्त आपका x जो है 0 हो, उस केस के अंदर एक्स मान लीजिए यहाँ पर 0 है, तो वाई आपका होगा 5, और जब वाई 0 होगा तो एक्स आपका होगा पूरा 10, ठीक है, 10 होगा पूरा, ठीक है, 10 होगा। तो पहला आपको ये मिला। अब आपको साथ के साथ क्या करना होगा, साथ के साथ आप जो है एक यहाँ पर ग्राफ बना लीजिए, ठीक है। ये हमने जो ग्राफ बना लिया,
अब ग्राफ में हम इसको जो है एक्स डिनोट करते हैं और इसको जो है वाई डिनोट करते हैं, इसको माइनस एक्स डिनोट करते हैं, इसको जो है यहाँ पर माइनस वाई डिनोट करते हैं। अब गाइज हमारे पास यहाँ पर 10 तक की वैल्यू है, सो आप 10 तक इसको वैल्यू कर लीजिए। एक्स में 10 तक वैल्यू 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, सो 10 तक वैल्यू हो गई हमारे पास। इधर भी आप जितनी पॉसिबल हो उसकी वैल्यू कर लीजिए, 3, 4, 5, 6, 7, ठीक है 7 तक हमने यहाँ पर कर लिया वैल्यू। अगर ज़रूरत पड़ी तो हम इसको आगे बढ़ा सकते हैं। अब दूसरी क्वेश्चन देखिए गाइस, दूसरी क्वेश्चन हमें यहाँ पर है हमारे पास है 3x + 4y = 4y, इसको भी आप इक्वल टू कर लीजिए 24 के। ठीक है, यहाँ पर लेस देन और इक्वल टू है, इसको भी एक बार इक्वल टू मान लीजिए। और उसके बाद एक्स और वाई की वैल्यू निकाल लेंगे, एक्स वाई और इनकी वैल्यू निकाल लेंगे। तो वैल्यू देखिए यहाँ पर जब एक्स होगा 0 तो उस केस के अंदर वाई की वैल्यू आपको मिलेगी 24/4 हो जाएगा ये 6, और जब वाई होगा 0 तो उस केस के अंदर 3 से डिवाइड हुआ तो ये हो गया दोस्तों आपका 8। ठीक है, तो ये हमारे पास ये वैल्यू आ गई। अब गाइज और ये एक्स और वाई का भी है ध्यान रखना कि एक्स जो है वो ग्रेटर देन है 0, 0 से इक्वल टू है ग्रेटर देन, और वाई जो है वो भी इक्वल टू और ग्रेटर देन। अब इनका भी एक काम होता है गाइज, ये जो यहाँ पर ग्रेटर देन लेस देन दिए हैं इनका भी एक काम होता है इसके अंदर, वो मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा। अब सबसे पहले तो जो ये हमने पॉइंट्स निकाले हैं इनको आप पुट कर लीजिए। तो हमने देखिए यहाँ पर पहला एक्स हो 0 और आपका जो है वाई हो 5, तो उसको लिख दीजिए। तो वाई 5 कब होगा, 1, 2, 3, 4, 5, यहाँ पर 5 है आपका। तो पहला पॉइंट आपका निकलता है यहाँ पर जो कि जिसको हम लिख देंगे 0, 5। ठीक है, और दूसरा पॉइंट आपका निकलता है 0, 10, यानी कि यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ठीक है 10 यहाँ पर। तो ये का हिसाब आपका हो गया 10 और 0। अब ये जो है आपका पहला इसका बना, तो अब यहाँ पर आप एक लाइन ड्रॉ कर दीजिए। ठीक है, हमें आप यहाँ पर जो है लाइन ड्रॉ कर देंगे। एक और बात, ये लाइन जो है पूरी डार्क लाइन ड्रॉ होगी, यहाँ पर कोई शेडो वाली लाइन ड्रॉ नहीं होगी, डार्क लाइन हम ड्रॉ करेंगे। और अब दूसरी लाइन पर बात करते हैं दोस्तों, तो यहाँ पर 0 और 6, तो ये 0 हो गया और वाई की वैल्यू 6, तो ये पॉइंट यहाँ पर हमें मिलेगा। ठीक है, एक्स 0 वाई यहाँ पर 6, तो ये वैल्यू यहाँ पॉइंट यहाँ पर इसको हम लिखते हैं 0, 6। और दूसरा इसका पॉइंट है वाई हो एक्स हो तब 8 और वाई हो 0, तो ये पॉइंट बनेगा। तो ये हो गया हमारा 8, 0 पॉइंट। नाउ अब इनको आप जो है आपस में कर दीजिए, तो ये भी जो है एक डार्क लाइन बनेगी। ठीक है, ये हमने जो है यहाँ पर मैच कर दिया गाइस। अब दोस्तों जैसा मैंने आपको बताया था कि हमारे पास ये जो ग्रेटर देन और लेस देन के साइन हैं इनका भी एक मतलब होता है, काम होता है। सो वो कैसे होता है वो अब इस वक्त आपको जो मैं बताऊंगा, और ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है, आपको इस पर पूरा ध्यान देना होगा, ये क्या है पूरा समझना होगा, तब आपका जो है कॉन्सेप्ट बड़ी अच्छी तरह से क्लियर होगा। नाउ गाइस पहली इक्वेशन की बात करते हैं, तो पहली इक्वेशन की लाइन आपको याद होगी, ये लाइन है। ठीक है, तो इस पर हम एक जो है एरो का मार्क कर लेते हैं, हालांकि आपको इसके ऊपर लिखना होता है। मैं यहाँ पर एक एरो का मार्क करता हूँ और ये जो है हमारे पास इक्वेशन इसको लिख देता हूँ, x+2y > 10। अब इसका काम क्या है दोस्तों, आपको क्या करना है, आपको जो भी लाइन है उस लाइन से इस तरफ की वैल्यू, इस तरफ के पॉइंट्स और उस तरफ के पॉइंट इसके अंदर पुट करके देखने हैं। मान लीजिए हमारे पास है कोई ये एक पॉइंट मान लेते हैं। ठीक है, ये पॉइंट आपका कितना होगा, ये आपका होगा 0, 3। ठीक है, 0 और 3, सो इस पॉइंट को हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे। तो इस इक्वेशन के अंदर हमने पुट किया, तो ये हो गया एक्स हो गया आपका 0, एक्स हो गया आपका 0 और प्लस में जो है 2 × 3 = 6 हो गया, 6 > 10 = 10, ये पॉसिबल नहीं है गाइस, यानी कि इस तरफ के पॉइंट्स जो हैं इसको सेटिस्फाई नहीं करेंगे। अब कोई इस तरफ का एक पॉइंट पुट करते हैं, इससे इस तरफ का 0, 5 पुट किया, तो 0 ये हो गया और 5 पुट किया तो 10, तो 10 जो है वो इक्वल टू है, और आगे का और कोई पॉइंट पुट करेंगे तो वो भी मतलब ग्रेटर देन आएगा। सो इसका मतलब ये जो लाइन है, ठीक है, ये जो हमने निकाली थी इसका शेड किधर बनेगा, इधर। ठीक है, ये इस तरफ जो है अपना शेड बनाएगा।
तो इसका शेड दोस्तों बन गया आपका इधर। तो आप ये जो इस तरह से आपको ये जो शेड है वो बना देना है। अब दूसरी लाइन की बात करते हैं। इस लाइन की इक्वेशन देखिए, इस लाइन की इक्वेशन हमारे पास थी 3x + 4y इज लेस देन और इक्वल टू 24। अब यहाँ पर भी आपको वही चीज़ करनी है, आपको बस वैल्यूज पुट करके देखनी है। देखते हैं इस तरह की वैल्यू पहले पुट करके देखते हैं। तो इस तरह की वैल्यू मान लीजिए हमने यहीं 03 पुट किया तो ये हो गया 0 और 43। हाँ ये सेटिस्फाई करता है, ठीक है। यहाँ पर 0 पुट किया तो 0 और ये 4 × 3 आपका हो जाएगा 12, और 12 जो है वो 24 से लेस है। इसका मतलब ये इस चीज़ को सेटिस्फाई करेगा। सो इसका मतलब इस लाइन का जो है शेड बनेगा इस तरफ, ये जो लाइन है इसका शेड बनेगा इस तरह। तो ये इधर शेड आया, ठीक है, ये लाइन का इधर शेड आया। और एक और बात, ये आपको दो तीन पॉइंट और कहा था कि एक्स जो है वो ग्रेटर देन है 0 से, तो मतलब एक्स का शेड किधर जाएगा, एक्स का आपका शेड इधर जाएगा और वाई का शेड इधर आएगा, ठीक है। तो इसका मतलब है हमारे पास जो सबका शेडेड एरिया आया वो शेडेड एरिया हमें मिलता है ये, ठीक है। ये जो है हमारा पूरा शेड एरिया है। तो अब हमें यहाँ पर जो है ये पॉइंट्स, ठीक है, ये पॉइंट हमें चेक करने हैं, ये पॉइंट कितने हैं, और ये पॉइंट जो है इस जेड की वैल्यू में पुट करके देखना है। जो भी सबसे ज़्यादा छोटी वैल्यू आएगी वही होगा हमारा आंसर। तो सबसे पहले ये पॉइंट जो है ये तो है आपका 05, ये पॉइंट है एक आपका 06। ये पॉइंट निकालने के लिए इनको जो है इनकी इक्वेशन सॉल्व कर लीजिए। पॉइंट ऑफ इंटरसेप्ट होता है, निकालते हैं हम इक्वेशन सॉल्व करके, उस तरह से निकाल सकते हैं। तो इसको सॉल्व कर लीजिए, तो बस इस वाली इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करके ये हो जाएगा आपका 2x + 4y इज इक्वल टू 10, ठीक है, सॉरी 20। ये वाली इक्वेशन जो है हमने 2 से डिवाइड किया और इधर इसको जो माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका 3x + 4y इज इक्वल टू 24, और ये माइनस माइनस माइनस। सो इसको सॉल्व कर दीजिए तो ये जो है ये यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा और ये -x = -4। सो x की वैल्यू हमें मिलती है 4, ठीक है, x की वैल्यू हमें मिलती है 4, यानी कि ये पॉइंट यहाँ पर x तो हो गया 4, और y जो है वो यहाँ पर पुट कर लीजिए, 4 पुट किया तो y की वैल्यू क्या मिलेगी, इधर जाएगा तो ये हो जाएगी y की वैल्यू 3। तो हमारा अगला पॉइंट आता है 4 और 3, यानी कि ये जो इंटरसेप्ट वाला पॉइंट है वो है 4 3, ठीक है। तो हमने जो तीन पॉइंट यहाँ पर निकाल लिए हैं, अब आपको सिंपली क्या करना है, आपको ये जो पॉइंट है इन पॉइंट्स को जेड के अंदर पुट करना है और वैल्यू निकालनी है जेड की। लिख दीजिए इधर जेड की जो भी इक्वेशन है, जेड इज इक्वल टू 200x + 500y। तो और लिख दीजिए वैल्यू ऑफ जेड ऑन इस पर, वैल्यू ऑफ जेड ऑन 06, वैल्यू ऑफ जेड ऑन 43। आप सिंपली पुट करके देखेंगे, पहले तो इस पर निकालेंगे क्या होगी, 06 किया तो 0 और 5 × 5 हो जाएगा 25, तो ये होगा दोस्तों 2500। और इधर 6 से हुआ तो ये हो जाएगा 3000, और जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका ये हो जाएगा दोस्तों, पुट कीजिए यहाँ पर 4 × 2, ये हो गया आपका 800 प्लस में 3 150, ये इक्वल हो जाएगा आपका 2300 के, ठीक है। तो ये आपका 2300 के इक्वल आ जाएगा। और इस क्वेश्चन में हमें जो है आपको ये जो है मिनिमाइज करना था, तो मिनिमाइज यानी कि सबसे छोटी वैल्यू, तो यहाँ पर सबसे छोटी वैल्यू ये है 2300। तो इसका मतलब है एक्स की वैल्यू इस केस में है 4 और वाई की वैल्यू है 3 और जेड की वैल्यू है आपकी 2300, ठीक है। तो ये हो गया दोस्तों आपका इस क्वेश्चन का आंसर। और ये क्वेश्चन जो है आपके एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 12.1 से पहले सेकंड एग्जांपल है, उसका सॉल्यूशन है। सो आप वहां से चेक कर सकते हैं आंसर बिल्कुल, ठीक है इसका। तो भाई ये था पूरा वीडियो, उम्मीद करता हूँ कि आपको एलपीपी निकालना आ गया होगा इक्वेशन की फॉर्म में, स्टेटमेंट की फॉर्म में। अगर आप सीखना चाहते हैं
तो हमारे चैनल के साथ बने रहिए। जब ये एक्सरसाइज अपलोड होगा उस वक्त मैं आपको स्टेटमेंट की फॉर्म में बता दूंगा, और अगर आप चाहते हैं कि अलग से मैं स्टेटमेंट पर वीडियो बनाऊं तो उसके लिए मुझे कमेंट में बता सकते हैं आप। मैं ज़रूर कोशिश करूंगा कि पूरा स्टेटमेंट एक ही वीडियो में एक्सप्लेन कर दूँ। हालांकि स्टेटमेंट के भी जो वे चार टाइप थे, वे स्टेटमेंट के क्वेश्चन के टाइप थे, सो वे भी मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा उस एक वीडियो में। दोस्तों दोबारा मिलेंगे किसी और वीडियो में। बाय बाय। हाँ तब तक के लिए अगर आप नए हैं हमारे चैनल पर तो सब्सक्राइब कर दीजिए 12th पासर को, एलिमेंट ऑफ मैथमेटिक्स 12th क्लास सॉल्यूशन के लिए। लाइक कर देना इस वीडियो को, शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ, और कमेंट करना आपको अगला वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए। मैं दोबारा मिलूँगा इसी चैनल पर। बाय बाय।